चाइनीज भेल। हाय, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूँ ऐशा और आज हम बनाने वाले हैं चाइनीज भेल। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम बॉईल किया हुआ नूडल्स, नमक स्वाद अनुसार, 2 से 3 हरा प्याज चॉप किया हुआ, आधा कप बीन स्प्राउट्स, 1/4 कप रोस्टेड पीनट्स, 1 बड़ा चम्मच टमेटो केचप, 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम ये बॉइल्ड नूडल्स को गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सुनहरा और क्रिस्प ना हो जाए। नूडल्स सुनहरे और क्रिस्प हो गए हैं, इसे हम एब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे। नूडल्स को हम 5 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। नूडल्स को हल्की तरह से एक बार क्रश कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग अनियन, आप चाहे तो थोड़ा गार्निशिंग के लिए साइड पर रख सकते हैं। इसके साथ हम डालेंगे स्प्राउट्स, पीनट्स और हल्का सा नमक। अब इसमें हम डालेंगे टमेटो केचप और थोड़ा सा शेजवान सॉस, आप चाहे तो शेजवान सॉस थोड़ा ज़्यादा डाल के इसको थोड़ा तीखा कर सकते हैं। और इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये एक अच्छा सा इवनिंग स्नैक बन सकता है। आप चाहे तो आप इन नूडल्स को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं ताकि इसका तेल थोड़ा कम हो जाए। ये एक अच्छा सा चटपटा सा स्नैक है और ये बहुत जल्दी भी बनता है। चाइनीज़ मील तैयार है, इसे आप तुरंत परोसें।